अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरे मशीन क्या होती है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ एक्सरे मशीन पर, जिसमें मैंने एक्सरे मशीन की टाइप्स बताई थी। ये इसकी डिटेल वीडियो है जिसमें मैं एक्सरे मशीन के कॉम्पोनेंट देखूंगी। इसमें मैं आपको एक्सरे मशीन के कॉम्पोनेंट बताऊंगी। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरे मशीन किसने डिस्कवर की थी, यानी कि एक्सरेस किसने डिस्कवर की थी। एक्सरे मशीन तो बाद में आई, एक्सरे किसने डिस्कवर की थी। एक्सरे डिस्कवर की थी हमारे पास विलियम रुटेंजन ने। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही डिस्कवर करी थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके रिजल्ट में उन्हें एक्सरेज मिली थी। जैसे कि हमें पता है कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं जैसे ही हाईली इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ। इसकी वजह से क्या होती है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ईएम रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलती है, एक्सरेज मिलती है। अब एक्सरेज हमारे पास क्या है, एक्सरेज हमारे पास हाईली पेनिट्रेटिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो बॉडी के अंदर भी पेनिट्रेट हो जाती हैं। इसी वजह से हम इसको मेडिकल के अंदर यूज करते हैं। अब एक्सरे मशीन का क्या पर्पज है, एक्सरे मशीन के थ्रू हम इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज ले सकते हैं। कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर, जो डेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोन्स। इन स्ट्रक्चर की हम इजिली इमेज ले सकते हैं। राइज होता है कि एक्सरे कब परफॉर्म करवाया जाता है। एक्सरे आपका जब परफॉर्म करवाते हैं डॉक्टर, जब आपको कोई बोन रिलेटेड कोई डिजीज हो, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हो, आर्थराइटिस हो, या फिर फ्रैक्चर कोई हो गया हो, इनमें से कोई भी रिलेटेड डिजीज हो तो आपको एक्सरे परफॉर्म करवाया जाता है। आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सरे करवाएं ताकि उससे आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर हो सके। इसके अलावा और भी चीज़ों के लिए हम एक्सरे करवाते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक्सरे मशीन कुछ हमारे पास इस तरीके की होती है। इसमें होती है पेशेंट टेबल, एक्सरे ट्यूब, बक्की स्टैंड, एक्सरे जनरेटर, ये सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती है। अगर अब बात की जाए पार्ट्स ऑफ एक्सरे मशीन की, तो एक्सरे मशीन के अंदर होता है ऑपरेटिंग कंसोल, जहाँ से केवी, एमए और टाइम सेलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा एक्सरे फ्रिक्वेंसी जनरेटर, जहाँ से हम पावर प्रोवाइड करेंगे एक्सरे ट्यूब को। इसके अलावा हमारे पास होती है एक्सरे ट्यूब जो एक्सरेज को प्रोड्यूस करेगी। देन हमारे पास कॉलीमीटर, कैसेट और पेशेंट टेबल। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास कैसेट है, एक्सरे जनरेटर है, बक्की स्टैंड है, एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब के बाद कॉलीमीटर है, पेशेंट टेबल है और कैसेट है। अब हम इंडिविजुअली हर पार्ट को डिस्कस करेंगे कि हर पार्ट का फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं। ये पार्ट वन है। पार्ट वन के अंदर सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगी हर पार्ट के। फिर पार्ट टू के अंदर मैं हर कंपोनेंट को या फिर हर पार्ट को एक्सरे मशीन के डिटेल में आपको बताऊंगी। एक्सरे मशीन के फर्स्ट कंपोनेंट की, तो वो है हमारे पास ऑपरेटिंग कंसोल। ऑपरेटिंग कंसोल के थ्रू रेडियोलॉजिस्ट या फिर टेक्नोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है एक्सरे ट्यूब के करंट को, वोल्टेज को, ताकि एक्सरे हम करंट और वोल्टेजेस को इसलिए सेट करते हैं ताकि हमें यूजफुल एक्सरे बीम मिल सके जिसकी प्रॉपर क्वांटिटी हो और प्रॉपर क्वालिटी हो। इसके अलावा ऑपरेटिंग कंसोल के अंदर हमारे पास क्या क्या, हम क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं केवी, एमए और एक्सपोजर टाइम। हमारे पास क्या होते हैं केवी यानी कि वोल्टेजेस, एमए यानी कि करंट, एक्सपोजर टाइम हमारे पास टाइम। हम इन तीनों पैरामीटर को एक्सरे ऑपरेटिंग कंसोल पर सेट कर आप ये देख सकते हैं एक्सरे मशीन का ऑपरेटिंग कंसोल कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया गया है। सेकेंड कंपोनेंट है हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर बेसिकली क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हाई वोल्टेजेस एक्सरे ट्यूब को, ताकि एक्सरे ट्यूब रन कर सके और वो एक्सरेज प्रोड्यूस कर सके। सिंपल कंपोनेंट जो होता है हमारे पास एक्सरे जनरेटर के अंदर, ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारे पास कन्वर्ट करता है लो वोल्टेजेस को हाई वोल्टेजेस में थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि एक्सरे ट्यूब किस तरीके से एक्सरे जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। एक्सरे जनरेटर में हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर आ रही है, मेन सप्लाई आ रही है, उसके बाद हमारे पास ये कनेक्ट है आपस में एक्सरे ट्यूब से। एक्सरे ट्यूब से कनेक्ट इसलिए भी जरूरी है ताकि वो एक्सरे ट्यूब को पावर प्रोवाइड कर सके, ताकि वो एक्सरे प्रोड्यूस कर सके। ट्रांसफार्मर के अलावा भी हमारे पास एक्सरे जनरेटर के अंदर दूसरे मॉड्यूल्स भी होते हैं। तो एक्सरे जनरेटर के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, हमारे पास होते हैं हाई वोल्टेज पावर सर्किट होता है, स्टेटर सर्किट होता है, फिलामेंट सर्किट होता है, फोकल स्पॉट सेलेक्टर होता है, ऑटोमेटिक स्विच कंट्रोल सर्किट होता है। ये सब सर्किट हमारे पास एक्सरे जनरेटर मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाद जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है वो है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब बेसिकली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहां पर हमारे पास प्रोडक्शन हो सके एक्सरेज की। अब एक्सरेज की प्रोडक्शन दो तरीके की हो सकती है, वो ब्रोमिस्टॉलिंग हो सकती है या फिर करेक्टरिस्टिक एक्सरे हो सकती है। ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमारे पास एक्सरे की प्रोडक्शन होती है। एक्सरे की प्रोडक्शन दो वे
फेज में हो सकती है, या तो ब्रामिस्टॉलिक एक्सरे प्रोडक्शन या फिर करेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन। वीडियो लेंथी हो जाएगी जब भी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एक्सरे ट्यूब के अंदर कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास वोल्टेज सोर्स, कैथोड, एनोड, एवैक्यूएटेड एनवेलप, ट्यूब हाउसिंग और ट्यूब पोर्ट। इन कंपोनेंट को मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी एक्सरे ट्यूब के नाम से, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एक एक्सरे ट्यूब ये पूरा एक डिटेल टॉपिक है। यहाँ पर बताने से वीडियो लेंथी हो रही है, इस वजह से मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि एक्सरे ट्यूब हमारे पास किस तरीके की होती है। एक्सरे ट्यूब के अंदर हम हाई वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, जैसे देखा है यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेजेस अप्लाई किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कैथोड होता है, टंगस्टन का एनोड होता है, हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाकर हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की हिटिंग से हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं, 99% हीट प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा सिर्फ 1% एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं जो हाउसिंग बनी हुई है या फिर ग्लास एनवेलप बना हुआ है, ये प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। ये जो आप हाउसिंग देख सकते हैं, हाउसिंग इसलिए बनी हुई है यहाँ पर लेड हाउसिंग, ताकि वो एक्स्ट्रा जो हमारे पास अनवांटेड डायरेक्शन में जो एक्सरे जा रही है उनको एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा हमारे पास वैक्यूम है, वैक्यूम मेंटेन करना जरूरी होता है। ये हमारे पास पूरी एक्सरे ट्यूब का स्ट्रक्चर था। इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कि एक्सरे ट्यूब किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से एक्सरे की प्रोडक्शन होती है एक्सरे ट्यूब के अंदर, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाकर हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की हिटिंग की वजह से हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरे मशीन का जो लास्ट कंपोनेंट है हमारे पास वो है कॉलीमीटर। कॉलीमीटर आप जैसे कि पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक्सरे ट्यूब के बाद लगा हुआ होता है। कॉलीमीटर का फंक्शन क्या है? कॉलीमीटर का फंक्शन है कि मिनिमाइज करना फील्ड ऑफ व्यू को, यानी कि FOV को मिनिमाइज करना, पेशेंट को अननेसेसरी एक्सपोजर से रोकना। किसके थ्रू करते हैं हम ये? लेड प्लेट यूज करते हैं, उसके थ्रू हम अननेसेसरी एक्सपोजर को अवॉइड कर सकते हैं। लेड शटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4 प्लेट जो रखी हुई हैं, ये हमारे पास क्या करती हैं? एक्सरे बीम को रिस्ट्रिक्ट करेंगी। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूं तो कॉलीमीटर बेसिकली हमारे पास साइज एंड शेप जो है एक्सरे बीम की, उसको एडजस्ट करता है ताकि पेशेंट को कम से कम एक्सपोजर मिले, जो रिक्वायर्ड एक्सपोजर है सिर्फ वही मिले। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कॉलीमीटर की अरेंजमेंट हुई हुई होती है और किस तरीके से एक्सरे बीम आ रही होती है। ये थी आज की वीडियो, ये है पार्ट 1 एक्सरे वीडियो का। पार्ट 2 में मैं आपको इसकी हर कॉम्पोनेंट को डिटेल में बताऊंगी। ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।